हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, अगर आपका बजट 15,000 रुपए के आसपास है और आप अपने लिए कोई अच्छा सा 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो, तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आने वाले सबसे अच्छे 3 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो की पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। वैसे इस प्राइस पॉइंट पर काफी सारे 5G स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने अपनी लिस्ट में उन टॉप 3 5G स्मार्टफोन्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले का सपोर्ट, बेस्ट कैमरा क्वालिटी, सुपर फास्ट चार्जिंग और एक तगड़ा प्रोसेसर जिसमें आप गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से इंजॉय कर पाए। इन सभी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। तो गाइस, अगर आपको भी 5G सपोर्ट के साथ में किसी ऐसे ही स्मार्टफोन की तलाश है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को भी सबसे लास्ट वाले स्मार्टफोन गैलेक्सी F23 5G से, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। समझने में आसानी हो इसलिए हमने इन स्मार्टफोन्स को ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पर रैंकिंग के हिसाब से सेट किया है। गैलेक्सी F23 5G इंडिया में इसी साल मार्च के मंथ में लॉन्च हुआ था। ये फोन अंडर 15,000 रुपीज में सैमसंग का सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन माना जाता है और इसमें अप टू 12 5G बैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एक फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन साबित हो सकता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन रियर में प्लास्टिक बैक के साथ आता है। फ्रंट में इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले मिलती है, 8.4 mm की थिकनेस और 198 ग्राम वेट है। ओवरऑल लुक और डिजाइन इस फोन का काफी अच्छा मिल जाता है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। 3.5 mm ऑडियो जैक है, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, पावरफुल टेक्नोलॉजी, NFC, वॉइस फोकस, ऑटो डाटा स्विचिंग, 12 5G बैंड और लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस TFT LCD डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट मिलता है। तो सैमसंग ने इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले को तो ऑफर नहीं किया, लेकिन डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो डिस्प्ले इस फोन की काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। कैमरे सेक्शन की बात करें तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेकेंडरी है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और लास्ट में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लगा हुआ है और इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो एकदम प्रो लेवल की फोटोग्राफी इस फोन के साथ में तो शूट नहीं कर पाओगे, लेकिन नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए ये फोन बेस्ट रहेगा। वहीं ये फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन सैमसंग ने इस बार बॉक्स में से चार्जर को रिमूव कर दिया है, तो चार्जर आपको इस फोन के लिए अलग से परचेज करना होगा। प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट के साथ आता है, जो कि 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G चिपसेट है। एंटूटू स्कोर भी इसका 4.25 लाख के अप्रोक्स है। तो परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों का ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग्स भी आप इस स्मार्टफोन के साथ में काफी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। लास्टली प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 4+128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 14,000 रुपए और बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको सिर्फ 13,000 रुपए में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप अंडर 15,000 रुपीज में कोई अच्छे से ब्रांड का 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। वही लिस्ट में सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन है रेडमी नोट 11T, जो कि इंडिया में 30 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। हालांकि ये फोन 7-8 महीने पुराना जरूर है, लेकिन ये फोन काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। लुक और डिजाइन भी इस फोन का काफी अच्छा है। रियर में प्लास्टिक बैक मिलता है, फ्रंट में डॉट नोच डिस्प्ले है, 8.75 mm की थिकनेस और 195 ग्राम वेट है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। 3.5 mm ऑडियो जैक, डुअल स्पीकर, IP53 रेटिंग, UFS 2.2 के स्टोरेज, LPDDR4X रैम, रैम बूस्टर, IR ब्लास्टर, 7 5G बैंड और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। 90 हर्ट्ज का एडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट मिलता है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले इस फोन में काफी अच्छी मिल जाती है। टच रिस्पॉन्स इस फोन का काफी कमाल का होगा। कैमरे सेक्शन की बात करें तो ये फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। इस फोन में मैक्रो लेंस नहीं दिया गया है और सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों से ही फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। ये फोन भी 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा।
प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 चिपसेट के साथ आता है। ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एंटूटू स्कोर भी इसका 3.5 लाख से ऊपर है, जो कि स्मार्टफोन की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनफ रहेगा। लास्टली प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 6+128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 15,000 रुपए, और अगर आप ICICI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो 1,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस 14 से 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आपको इस फोन के सभी सेक्शन में काफी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। तो गाइस अगर आप इस फोन के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। वही लिस्ट में लास्ट स्मार्टफोन है मोटो G71 5G, जो कि पहले नंबर पर आता है। ये फोन इंडिया में इसी साल 19 जनवरी को लॉन्च हुआ था और काफी तगड़े फीचर्स को मोटोरोला ने इस फोन में ऑफर किया है। तो चलिए जल्दी से इस फोन के बारे में भी जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, रियर में प्लास्टिक बैक मिलता है, 8.5mm की थिकनेस और 179g वेट है। बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक और थिंक शील्ड का सपोर्ट मिलता है, 3.5mm ऑडियो जैक है, NFC, IP52 रेटिंग, 13.5G बैंड और स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ में एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है, स्टैंडर्ड 60Hz का हाई रिफ्रेश रेट है और 700 nits की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है। तो डिस्प्ले को लेकर आपको इस फोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे सेक्शन की बात करें तो ये फोन रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जो कि क्वाड फंक्शंस कैमरे का काम करता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर है और लास्ट में 2MP का मैक्रो शूटर मिलता है, और इसके फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। फ्रंट और रियर दोनों से ही फुल HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा क्वालिटी भी आपको इसके फ्रंट और रियर कैमरे की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये फोन भी 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और सिर्फ 30 मिनट में ये फोन की बैटरी 50% तक चार्ज कर देता है। प्रोसेसर की बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट के साथ आता है। ये प्रोसेसर भी 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर वर्क करता है। एंटूटू स्कोर इसका 4 लाख के अप्रोक्स है। तो स्कोर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि परफॉर्मेंस हमें इस फोन की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लास्टली प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 6+128GB वाले वेरिएंट की प्राइस 16,000 रुपए, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन भी आपको 14,000 रुपए के अराउंड में मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट डील रहेगी इस स्मार्टफोन के साथ में। तो गाइज अगर आप अंडर 15,000 रुपीज में किसी ऐसे 5G स्मार्टफोन को सर्च कर रहे हो जिसमें AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट, 50MP का मेन कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon का पावरफुल प्रोसेसर का सपोर्ट हो, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइज ये थे कुछ टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। बाकी गाइज आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन ज्यादा बेटर लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।